हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग गुड गाइस। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेस्टिव वेयर कुर्ता सेट लहंगा चोलीज जो मैंने फ्लिपकार्ट से ली है, क्योंकि फ्लिपकार्ट दे रही है ग्रेट वैल्यू अक्रॉस अनबिलीवेबल वैरायटी, लेटेस्ट अपडेटेड ट्रेंड्स, वाइडेस्ट रेंज ऑफ कलेक्शंस गाइस, एंड फास्ट डिलीवरी हो रही है फ्लिपकार्ट पे, बहुत फास्ट डिलीवरी हो रही है, अनबिलीवेबल प्राइसेस और नो क्वेश्चंस आस्क रिटर्न्स भी है। तो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना बहुत ईजी है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए आएगी, सो वहां पे चेक कीजिए। और ये वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, लाइक करो एंड कमेंट में बताओ कौन सी लहंगा अच्छी लगी या कुर्ती सेट अच्छी लगी, कमेंट जरूर से करना। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैंने पिक करा है गाइस ब्लू कलर का इंडो ईरा ब्रांड का बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट, और इसकी दुपट्टा मैं आपको दिखा रही हूँ। रेड एंड ग्रीन फॉइल प्रिंट में कॉम्बिनेशन करी हुई है और कॉटन मटेरियल है। साइड पे आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट मिल रही है जो फॉइल प्रिंट्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है गाइस। एंड नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा है रेड एंड ग्रीन के साथ। सो पूरे कुर्ती पे फ्रंट पे एंड स्लीव्स पे सीक्वेंस का वर्क करा हुआ है। जो दुपट्टे में वर्क है वो आपके स्लीव्स के एंड में मिल रही है ना, नोटिस करोगे तो स्लीव्स में जिगजैग और स्ट्रेट पैटर्न थ्रेड का है, देन सीक्वेंस बनी हुई है। और इनका जो पैंट्स होते हैं ना गाइस इंडो इरा ब्रांड की, ओ माय गॉड, उनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। सो मीडियम मेरा इस पर साइज है। प्राइस वगैरह आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको प्राइस वगैरह मिल जाएगी। वैसे ये मुझे मिली है 1700 रुपीज़ की, और फ्लिपकार्ट पे यू नो सेल चलते रहती है तो आप चेक कर सकते हो। सो इसको मैंने स्टाइल करा है ये ज्वेलरी के साथ, जो उसका लुक पूरा ही चेंज कर दे रहा है। और ईयरिंग्स डाले हैं मैंने, जो ज्वेलरी डाली है वो बहुत प्यारी लग रही है। तो कोई भी सेट पे ना ज्वेलरी वर्क कर जाता है गाइज। लाइक आपको कौन सी पार्टी पे अटेंड करना है या सिंपल ओकेजन पे अटेंड करना है ना, ये ज्वेलरी और हील्स बहुत मैटर करती है। सो और फ्लिपकार्ट पे डील भी बहुत अच्छी मिल रही है, तो जल्दी से ग्रैब कीजिए। चाहे तो करवा चौथ पे पहनिए, दिवाली में पहनिए, या कोई भी आने वाली फेस्टिवल में वेयर कीजिए, वेडिंग पार्टी में वेयर कीजिए, या फिर ज्वेलरी हटा के कोई सिंपल गेट टुगेदर में वेयर कीजिए। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। दुपट्टा की विथ लेंथ भी बहुत प्यारी है, कुर्ती पे आप देख सकते हो कि पूरा सीक्वेंस का वर्क करा हुआ है, तो फुल पार्टी वेयर लग रही है और बहुत प्यारी लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। सो लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये अनियन पिंक कलर का गाउन कम लाइक गौन साड़ी काइंड ऑफ गाइस, क्योंकि इस पर दुपट्टा अटैच है। ये इंडिया ब्रांड की एकदम लेटेस्ट कलेक्शन में है गाइस, और बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक जाती है, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्लिपकार्ट आपको बहुत अच्छी ऑफर भी देती रहती है, तो जल्दी से ग्रैब कीजिए। जॉर्जेट मटेरियल है और जो इसका वर्क करा हुआ है ना डार्क पिंक थ्रेड में, और जो स्लीव्स का पैटर्न है ओएमजी, मतलब आप खुद देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है। एंड श्रद्धा कपूर ने इस ड्रेस को पहना भी है इंडिया ब्रांड पे, तो मुझे बहुत पसंद आई गाइज। मेरा साइज इस पर मीडियम है। इस पर बेल्ट आपको मिल रही है जिसे आप डिटैच कर सकते हो। जो इसकी दुपट्टा बनी हुई है वो प्लीट्स ऑलरेडी अटैच है, उसे आप नहीं हटा सकते। तो दुपट्टा का जो पैटर्न है वो फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे आपको मिल रहा है, और पूरा मिरर वर्क करा हुआ। मिरर वर्क बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत फैशन में है, तुरंत ग्रैब कर लो, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। डार्क पिंक, अनियन पिंक, और जो पैटर्न दिया हुआ है वो बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। अगर दिवाली में पहनोगे ना या करवा चौथ में तो भी बहुत प्यारे लगोगे। स्लीव्स में नेट का वर्क और मिरर वर्क का दोनों का वर्क करा हुआ है, और इसको मैंने स्टाइल करा है सिर्फ एक ईयरिंग्स, मतलब सिंपल ईयरिंग्स के साथ। जैसे मैंने कोई नेक पीस या मांग टीका नहीं डाला है। अगर आप करवा चौथ में पहन रहे हो तो आप वो भी डालोगे तो बहुत प्यारा लगेगा जूड़ा के साथ। सो इसकी फ्लेयर आप देखो, बहुत ही फ्लोई है। इनर लाइनिंग सैटन मटेरियल का है, कुर्ता जॉर्जेट मटेरियल का नहीं है। मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव मिली है क्योंकि एकदम लेटेस्ट ट्रेंड में है, लाइक फिर भी मुझे ऑफ में मिला है 2800 रुपीज़ में। वैसे इसका रियल प्राइस 3500 रुपीज़ में है, तो जल्दी से ग्रैब करो, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है। सो अगर आप बेल्ट हटाते भी हो ना इस कुर्ती से, गाउन से, तो दुपट्टा, मतलब जो दुपट्टा है वो अटैच्ड है। लाइक अगर आप बेल्ट नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा। वैसे दुपट्टा अटैच नहीं होता इंडिया ब्रांड में ज़्यादातर, बट इस पे है। सो कैसी लगी कमेंट में बताओ, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई, और मुझे लग रहा है ये कलर अच्छी भी लग रही है मुझ पे। सो कैसी लग रही है आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट मैंने लहंगा चोली पिक करा है, एंड ये ग्रीन कलर में है गाइस, पाकिस्तानी ग्रीन कलर में है, पूरा थ्रेडवर्क का वर्क करा हुआ है। इसमें मेरा साइज मीडियम है, ऐसे बस आपको साइज सेलेक्ट करना है। ब्लाउज स्टिच आती है इस पर, रेडीमेड लहंगा है ये मुझे मिली है 2000 रुपीज़ में,
और बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मुझे मिला है गाइस। फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट चलते रहती है तो ज़रूर चेक करते रहिए। इसका जो ब्लाउज़ पैटर्न है वो बहुत प्यारा लगा मुझे। पूरा जो आपको दिख रहा है वो थ्रेड का वर्क करा हुआ है, उस पर सीक्वेंस भी बने हुए हैं, तो जब आप रियल में आपको मिलेगी ना तो शाइन करेगी। और इसका जो लहंगा है वो ऐसी प्लीटेड है, मतलब जो कैमरा में क्वालिटी दिख रही है मुझे इससे अच्छी क्वालिटी लगी। लाइक पहन जॉर्जेट मटेरियल है कुर्ती टॉप और दुपट्टे का, और मुझे बहुत प्यारा लगा गाइस। सीरियसली बोल रही हूँ, अगर स्टॉक में है ना तो जल्दी से ग्रैब कर लो आप। मतलब फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत स्टाइलिश भी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत प्यारी पीस है। मतलब आप पहनोगे तो आपका दिल आ जाएगा, कुछ ऐसा पीस है ये। आप ब्लाउज देख सकते हो, पूरा सामने को पूरा थ्रेड का वर्क करा, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, एंड फुल दुपट्टे पे बॉर्डर थ्रेड का वर्क का है। दुपट्टे में पूरे जो छोटी छोटी मोटियाँ हैं वो पूरे सीक्वेंस का वर्क करा हुआ है, लहंगे पे भी सीक्वेंस का वर्क करा हुआ है, थ्रेड का वर्क करा हुआ है। तो इससे ब्यूटीफुल लहंगा आपको इतना सस्ते में नहीं मिल सकता। और इसको मैंने ग्रीन बिंदी और एक रोज़ पिन डाला है, और सेम ईयरिंग्स मैंने सिल्वर में डाल के इसको स्टाइल करा है, क्योंकि इस लहंगे चोली में गोल्डन का कोई भी पैटर्न नहीं है। तो इसको पहन के थोड़ी देर बाद जब मैं ऐड कर रही हूँ ना, मतलब एडिटिंग कर रही हूँ, तब मुझे फीलिंग आ रही है दीपिका पादुकोण ने वो पहना था ना आँखों में तेरी, लाइक लहंगा अगर ये पिंक कलर का होता ना तो बिल्कुल वैसा ही लगता। सो मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से ग्रैब कीजिए। इनर लाइनिंग के साथ आती है ये, इसका जो इनर लाइनिंग है वो सैंटून मटेरियल का है। नेक्स्ट और लास्ट आइटम मैंने पिक करा है कुर्ती, और ये क्रॉप टॉप स्टाइल में है गाइस, और इस पर आपको प्लाजो मिल रही है। सो ये मुझे मिली है 1500 रुपीज़ की सेल पे, मैंने ली है, और इस पर मेरा साइज मीडियम है। सो इस पर जो आपको प्रिंट मिल रहा है वो फॉइल प्रिंट्स है गाइस, गोल्डन एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, तो आप गोल्ड या सिल्वर दोनों तरह के ज्वेलरीज डाल सकते हो। इस पर जो क्रॉप टॉप का पैटर्न है वो इस पर अटैच्ड है, और सामने को पूरा फुल ओपन है, लाइक जैसे प्लाजो क्रॉप टॉप और शर्ट का पैटर्न होता है ना, ये एक्जैक्टली वैसा ही है, बट इस पर आपको क्रॉप टॉप अटैच मिल रही है। एंड बैक पे भी आपको सेम प्रिंट्स मिल रही है पूरी गोल्डन एंड सिल्वर में, एंड जितनी जो बॉबी प्रिंट्स मिल रही है पूरे गोल्डन की करी हुई है। इसका मटेरियल रेयॉन मिक्स काइंड ऑफ है, बहुत मतलब कॉटन एंड रेयॉन का मिक्स है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। एंड कुछ इस तरीके से इसकी प्लाजो ट्राउज़र है, मेरा साइज मीडियम है, इस पर भी गोल्डन वर्क करा हुआ है फुल ट्राउज़र पे, तो मुझे ये वाली भी सेट बहुत पसंद आई। क्योंकि फेस्टिव वेयर बना रही हूँ गाइस, तो मैंने हेवी ज्वेलरी डाली है यहाँ से, क्योंकि लॉन्ग ज्वेलरी डाली है। इसका मैंडरिन कॉलर है, तो मैंने नेक को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है, ब्लैक और सिल्वर दोनों, एक में बैंगल्स डाले हैं और एक में यू नो ब्रेसलेट डाली है। बिंदी लगाकर ज्वेलरी पहनकर इसको मैंने फेस्टिव लुक दी है, और शाइनिंग वाले मैंने हील्स डाले हैं। आप अगर सिंपल डे में वेयर करना चाहो तो इतनी ज्वेलरीज मत पहनो, बस ओपन हेयर या एक पोनी रखो, सिंपल से स्टर्ड और सिंपल से इयररिंग्स के साथ ही पहनोगे तो बहुत प्यारी लगेगी। मैं ये लुक दे रही हूँ सिर्फ फेस्टिवल के लिए, और ऐसे सिंपल ड्रेसेस भी आप फेस्टिवल में आराम से वेयर कर सकते हो, जो बहुत क्लासी भी लगती है, जिनको भी इंडो वेस्टर्न पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए परफेक्ट है। सो कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में बताओ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मुझे इस तरीके से इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, और फेस्टिव के टाइम में तो वाइज और ज़्यादा पसंद आते हैं। सो इस पे थोड़ा सा लाइक आपकी टमी दिखेगी, बिल्कुल थोड़ी सी, और आप चाहो कंफर्टेबल हो तो ठीक है, ना तो आप ऊपर को प्लाजो करके भी पहन सकते हो। अगर जिनकी हाइट 5'5" है या उनसे ज़्यादा है तो उनकी टमी 100% दिखेगी। मेरी हाइट 5'4" है, तो शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए बहुत परफेक्ट पीस है ये, और सी थ्रू भी नहीं है, कंफर्टेबल भी है। और आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताओ। ये लुक आज का वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक ज़रूर से करना, और फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छी डील सेल चल रही है तो जाके चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।